Hello everyone and good evening all of you. How are all of you doing? Kaise hain sab? All right, तो ये आप लोगों का करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का एक मिक्स्ड सेशन है जिसके अंदर हम लोग करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस का एक मिक्स्ड डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट हाफ जो है, पहला हाफ, उसमें हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। सेकेंड हाफ में स्टैटिक जीके, जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय रेल, इंडियन रेलवे से जुड़े हुए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। किस एग्जाम एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल है? ये सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है। नो मैटर विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ये सेशन आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड अस? संध्या, कार्तिक, अतुल, त्रिलोक, महनूर, गुड इवनिंग, दैट्स अ न्यू नेम, है मेघा, हेलो, रजाक, सुधीर, एंड वेलकम टू द सेशन। जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले सभी लोग डोंट फॉरगेट टू शेयर, और जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एज वेल। एम ऑल गुड? थैंक यू। हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? आप सभी लोग कैसे हैं? सब तैयार हैं सेशन के लिए? शुरू किया जाए सेशन को? चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आज का, SCO काउंसिल ऑफ स्टेट्स की मीटिंग से जुड़ा हुआ है। तो SCO का हेड ऑफ स्टेट्स की बैठक हुई थी 2021 की। इसे किस स्थान पर आयोजित किया था, या फिर ये कहे वेन्यू क्या था जहां पे ये मीटिंग आयोजित हुई थी। इसका एक हिंट है कि SCO की जिस देश के पास चेयरशिप है वही देश है जिसने इसको होस्ट किया था। तो होस्ट देश वही है जिसके पास इसकी चेयर थी। तो सवाल अब यह है कि चेयर किसके पास थी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एन आइडिया अबाउट इट? कितने लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है? सुधीर, रजा, अर्जुन, अनिलेश, त्रिलोक, अंतिमा, गुड इवनिंग, सागर, अरुण, मेघा, बहुत बढ़िया। दुशानबे तजाकिस्तान। तो दुशानबे में आयोजित की गई थी। कौन सा देश है जिसके पास ये चेयरशिप है इस साल के लिए? तजाकिस्तान इज द कंट्री जिसके पास वर्तमान में इसकी चेयर है या अध्यक्षता है। अब इसी मीटिंग में अनाउंस हुआ था कि SCO में कुछ नए मेंबर हैं। तो नया मेंबर या सदस्य कितने? हाउ मेनी न्यू मेंबर्स हैव बीन एडेड? और SCO में अब कुल कितने मेंबर हैं? हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर? और नया मेंबर कौन है? जल्दी से आंसर। SCO के अंदर नए मेंबर कौन है और टोटल कितने मेंबर हैं? यहां पे एक सवाल और बनता है और वो है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि उन्होंने इसे होस्ट किया था। मोनू, सागर, त्रिलोक, अतुल, टोटल 9 मेंबर्स। ईरान नया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिशा, चेतन, बिल्कुल सही। 9 मेंबर हो गए, पहले 8 थे, 8 से बढ़ के 9 हो गए हैं। नया मेंबर कौन है? ईरान इज द न्यू मेंबर जिसने हाल ही में SCO को ज्वाइन किया है। भारत ने कब ज्वाइन किया था, ये सवाल भी आता है। तो इंडिया कब मेंबर बना था? 2017 के अंदर, 2017 में भारत और पाकिस्तान ने साथ में जुड़े थे इससे। तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन है? एंड इसका सही आंसर क्या है? दैट इज गोइंग टू बी इमोमली रहमान इज द करंट प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति हैं तजाकिस्तान के और उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता करी थी। सूर्य किरण 15 किस देश के साथ भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है
भारतीय सेना की किस देश के साथ सूर्य किरण 15 इसका 15वां संस्करण आयोजित हुआ था हाल ही में, तो किस देश के साथ हुआ था? यस अतुल, मेघा, चेतन, जल्दी एन की जगह एम कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा चेतन। ऑल राइट, राहुल, मेघा, वंडरफुल, कुछ आंसर्स हैं। नेपाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ये भारत और नेपाल के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे कंडक्ट किया जाता है वही सेम रीजन के लिए, दैट इज दोनों के बीच में आर्मी रिलेशंस अच्छे हो। अब ये कहाँ पर आयोजित किया गया था और इससे पहले कब आयोजित हुई थी, यानी इससे पहले वाला संस्करण सूर्य किरण 14 कहाँ पर आयोजित हुआ था और कब आयोजित हुआ था, और इस बार कहाँ पर आयोजित हुआ था, व्हाट वाज द वेन्यू? अंजू मौर्य, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। उषा देवी, ऑल राइट, आंसर इसका क्या होगा? अगर वेन्यू की बात करें तो ये भारत में आयोजित हुआ था इस बार। भारत में कहाँ पे? पिथौरागढ़ रीजन, उत्तराखंड में है। पिथौरागढ़ रीजन है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर आयोजित हुआ। इससे पहले कब आयोजित हुआ था? 2019 में। 2020 वाला कैंसिल हो गया था, 2019 में लास्ट हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? ये नेपाल में ही आयोजित किया गया था। ऑल राइट, समीर इज फ्रॉम यूके, दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टेट एज आई हैव हर्ड। वर्ष में किस दिन को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? When do we have World Bamboo Day? Now, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है विश्व बैम्बू या बांस संगठन, उन्होंने इस दिवस को सेलिब्रेट करना शुरू किया था, तो कब सेलिब्रेट होता है? पिथौरागढ़। ऑल राइट, थैंक यू फॉर दैट समीर। त्रिलोक, सागर, सुधीर, श्वेता, सुजीति, मेघा, अंजू, चलिए कुछ आंसर है। 18 सितंबर, बिल्कुल सही। देर इज अ वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन जो इसे आयोजित करते हैं, 18 सितंबर को इसे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, ये कब से आयोजित किया जा रहा है और 2021 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम फॉर 2021? 2021 का विषय क्या था? और दूसरी चीज है कि ये कब शुरू किया गया था, व्हेन वाज इट स्टार्टेड? तो शुरुआत हुई थी इसकी बैंकॉक में, कॉन्फ्रेंस थी इस संगठन की 2009 में, तब इसे आयोजित करना अनाउंसमेंट किया गया था। और इस बार का विषय क्या था? हैशटैग प्लांट बैम्बू, हैशटैग प्लांट बैम्बू इस बार का थीम था। प्लांट बैम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू। अगला सवाल, नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों के लिए तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? तो हाल ही में नीति आयोग का करार हुआ है इनमें से किस संगठन के साथ, 112 आकांक्षी जिले या 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए? बोल्ड केवीआईसी का है, बिल्कुल सही पुष्पांजलि, बिल्कुल सही। केवीआईसी में बोल्ड प्रोग्राम है एक बैम्बू को या बांस को उगाने के लिए राजस्थान में जो आयोजित हो रहा है। सुजीति, श्वेता, मेघा, रजाक, प्रेरणा, समीर, राज, बहुत बढ़िया। एंड आंसर बायजूस, कार्तिक, बिल्कुल सही। बायजूस के साथ पार्टनरशिप करी है जिससे कि टेक्नोलॉजी से जो एजुकेशन है वो पिछड़े वर्ग जो है, जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उन लोगों तक भी पहुंच पाए। हर साल किस दिन अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? यहाँ पे हम लोग हर साल की बात कर रहे हैं, एवरी ईयर अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस या इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे कब आयोजित किया जाता है? बायजू रघुवे, रवदेन्द्र,
मोनू, अर्जुन, राहुल, तिलोक, अनिलेश, प्रेरणा, पुष्पांजलि, मानसी। बहुत बढ़िया, सबका आंसर ऑप्शन ए, थर्ड सैटरडे इन सितंबर। बिल्कुल सही, तीसरे शनिवार को, क्योंकि सफाई शनिवार को इजीली पॉसिबल है, तो शनिवार को, थर्ड सैटरडे इन सितंबर इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है। अगर आपसे पूछते हैं कि 2021 में कब था, तो 18 सितंबर को था। तो 2021 का स्पेसिफिकली पूछेंगे तो 18 सितंबर, नहीं तो सितंबर के तीसरे शनिवार में से आयोजित किया जाता है। और दूसरी चीज, इस बार का विषय क्या था? कचरा कचरेदान में होना चाहिए, समुद्र में नहीं। ये इस बार का थीम था, कीप ट्रैश इन बिन नॉट इन ओशन। ये कब से आयोजित किया गया, यानी सबसे पहली बार कब हुआ था? 1986 में, राइट? 1986 में सबसे पहले था। अब 18 सितंबर को एक और दिवस है जो याद रखना है, वो है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। इक्वल पे डे ये भी 18 सितंबर को ही आयोजित किया जाता है, और ये दिवस पिछले साल से ही शुरू किया गया है। 2020 में सबसे पहले मनाया गया था, इट वाज इन 2020 जब इसे पहली बार मनाया गया था। तो रिमेम्बर दिस आल्सो, ये भी याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए अगला सवाल आते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेड पैंडा डे, लाल पांडा दिवस या रेड पैंडा डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? वेन डू वी हैव इंटरनेशनल रेड पांडा डे? ऑल राइट कार्तिक, राहुल, चलिए आंसर इसका क्या होगा जल्दी से? इंटरनेशनल रेड पैंडा डे कब वो मनाया जाता है? प्रेरणा, श्वेता, विनय, मेघा, इतने डेज सबका, कार्तिक चतुर्वेदी, इतने दिन मनाए जाते हैं। हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, उसके लिए ये डेज सेलेक्ट किए गए हैं। रेड पैंडा डे अगेन तीसरे शनिवार पे होता है, थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, तीसरे शनिवार को, जो इस बार 18 सितंबर को था। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड या NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक या CMD, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड? चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर या अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है NSIC, राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड के अंदर? ऑल राइट, सो वी हैव अ बैक बेंचर एज वेल अनाउंस्ड, हाँ? ऑल राइट, वी हैव अनाउंस्ड चेतन एज द बैक बेंचर हियर। आंसर इस वाले का क्या होगा? अंजू, रजाक, वंदना, राहुल, विनय, श्वेता, राज। बहुत बढ़िया पवन, वंडरफुल। कुछ आंसर्स हैं, सही आंसर क्या होगा? अलका नांजिया अरोड़ा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CMD, नए CMD के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है NSIC में। NSIC एक मिनी रत्ना कंपनी है, इट इज अ मिनी रत्ना। अब ये मिनी रत्न है तो इसे कौन से मंत्रालय के तहत गवर्न किया जाता है? विच मिनिस्ट्री होल्ड्स द पावर इन इट? कौन सा मंत्रालय है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलिए आंसर जल्दी से, प्रियंका, मोनू, उषा, जल्दी से क्विकली आंसर ऑन दिस वन। ऑल राइट, आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME मंत्रालय के तहत इसे गवर्न किया जाता है। ये एक मिनी रत्न है। ट्रांसलेटिंग माई माई सेल्फ एंड अदर्स, ये पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक
अनाउंस हुई है 2022 के अंदर ये लॉन्च होने वाली है। इनमें से कौन इसके लेखक है, हु हैज रिटन दिस बुक? नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, एमएसएमई है। यस, नॉट अ डम वन, डेफिनेटली यू आर वॉचिंग दिस क्लास, यू आर नॉट अ डम वन, यू आर अ स्मार्ट वन हु लाइक्स टू हैव अ बिट ऑफ ह्यूमर। चलिए आंसर इस वाले का जल्दी से, नैनो एज मेघा, चलिए जल्दी से, प्रेम सागर, कार्तिक, श्वेता, पुष्पांजलि, प्रेरणा, रजनीश, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने आंसर किया है, झुंपा लहरी, बिल्कुल सही। झुंपा लहरी जी ने अपनी ट्रांसलेशन, उन्होंने जितने भी बुक्स के ट्रांसलेशन करे हैं उनके ऊपर अपनी एक्सपीरियंसेस को इस बुक के अंदर लिखा है, इसीलिए उन्होंने बुक का नाम लिखा है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। उन्होंने खुद जितनी किताबों का अनुवाद किया है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं अलग अलग भाषाओं को पढ़ने में, वो सब उन्होंने इसमें लिखा है और ये 2022 में रिलीज होने वाली है। न्याय वितरण विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में एक कैंपेन शुरू किया है, तो उस अभियान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन? एक हाल ही में अभियान शुरू किया गया है, अ न्यू कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड, जो न्याय वितरण विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा शुरू किया गया है, इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन? इस कैंपेन का नाम क्या है? यस, अभी से आ रहे हैं ऑथर के क्वेश्चन, तो अभी तो रिलीज हुई होने वाली है इसलिए आएगा, और फिर जब रिलीज हो जाएगी तब उधर से क्वेश्चन आएगा। पुष्पांजलि, विनय, श्वेता, राहुल, रजनीश, मानसी, मेघा, त्रिलोक, राहुल, वंडरफुल। जिन लोगों ने आंसर किया है इसके अंदर, एक पहल, ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही है। एक पहल नाम की ये पुस्तक है। ऑलराइट, वेयर इज द इंक ऑफ दिस? ऑलराइट, दैट सीम्स अ बिट ऑफ एन एरर। ऑलराइट, हियर वी आर। एक पहल नाम का ये कैंपेन या अभियान है जो हाल ही में शुरू किया गया है, इट वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली, टेली लॉ के तहत इसे आयोजित किया गया, और इसके लिए पार्टनरशिप किसके साथ करी है? नालसा के साथ। नासा नहीं है, नालसा है। नालसा के साथ पार्टनरशिप करी है और CSC के साथ पार्टनरशिप करी है कि लोगों तक जो भी सजेशंस उनको चाहिए लॉ से रिलेटेड वो सब उनको मिल जाए। कानून और न्याय मंत्रालय किसके अंदर, यानी करंटली हु इज द यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री कौन है कानून और न्याय के, और ये जो अभियान शुरू किया गया है इसकी अवधि या ड्यूरेशन कितनी है, कब से कब तक के लिए चालू किया गया है? चलिए जल्दी से आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मंत्रालय किसके पास है, पहला सवाल, और दूसरी चीज है कि ये कैंपेन या अभियान कब से कब तक चलने वाला है। किरण रिजिजू जी बिल्कुल सही, नए अभी जो रीशफल हुआ उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। और दूसरी चीज, ये कैंपेन कब से कब तक है, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस कैंपेन को रन किया जाएगा, इस अभियान को चलाया जाएगा। NPCI ने 10 एशियाई बाजारों में UPI QR आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम करने के लिए किस इकाई के साथ भागीदारी करी है? आप लोगों को पता होगा कि NPCI जो है वो काफी कोशिश कर रहा है कि जो हम UPI भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अवेलेबल हो, राइट? तो उसके लिए काफी सारी पार्टनरशिप्स हैं। कुछ टाइम पहले भी एक पार्टनरशिप अनाउंस की गई थी, अब दोबारा से उन्होंने पार्टनरशिप करी है। इनमें से किस कंपनी के साथ भागीदारी करी है जिससे कि 10 एशियाई बाजारों में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी? पिंटू, राहुल, जय, मानसी, अंतिमा, कार्तिक, सुजीति। ऑलराइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स।
अर्जुन, मेघा, अजीत, न्यूटन। गुड इवनिंग। और इसका सही आंसर लिक्विड ग्रुप, जिन्होंने बोला है बिल्कुल सही, लिक्विड ग्रुप। लिक्विड ग्रुप के मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है लिक्विड ग्रुप के मुख्यालय? ना, इन्होंने 10 देशों के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा देंगे, ये लिक्विड ग्रुप वाले। ये कहाँ पर बेस्ड है? सिंगापुर में बेस्ड है। दे आर बेस्ड इन सिंगापुर, राइट। और ये कब से अवेलेबल होगा? अगले साल में शुरुआती तौर पे, अर्ली 2022 में अवेलेबल हो जाएगा। भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए किस निकाय द्वारा तारामंडल नवाचार चुनौती शुरू की गई है? तारामंडल नवाचार चुनौती, प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज, इनमें से किसने शुरू करी है, या विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, इनमें से कौन से उद्यमियों के लिए ये शुरू किया गया है? भारतीय उद्यमियों के लिए प्लैनेटेरियम चैलेंज शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? मानसी, अजय, न्यूटन, राहुल, जय। चलिए कुछ आंसर हैं। अरुण, दीपक, श्वेता, मेघा, पुष्पांजलि। ऑल राइट, अ फ्यू आंसर्स। माई जीओवी इंडिया, बिल्कुल सही। माई जीओवी के द्वारा ये शुरू किया गया है प्लैनेटेरियम चैलेंज। किस संस्थान ने पानी की बूंदों, बारिश की बूंदों और पानी की धाराओं, समुद्र की लहरों, इनसे बिजली पैदा करने वाला अनूठा अनुभव उपकरण लॉन्च किया है? इनमें से कौन सा संस्थान है जिसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, ऐसा उपकरण बनाया है, जिससे पानी की बूंद, बारिश की बूंद, पानी की धारा, समुद्र की लहर, इनसे बिजली पैदा हो सकती है? बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं हो सकती है, लेकिन इतनी हो सकती है कि जैसे डिजिटल थर्मोमीटर हो गई, घड़ियां हो गई, वॉचेस, ये सब मेंटेन हो सके, हेल्थ केयर सेंसर्स तक बिजली, इतनी बिजली बनेगी। तो कौन है? राहुल, पुष्पांजलि, राहुल, अजीत। मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। कार्तिक, आंसर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है जब आंसर आ रहा है, या क्वेश्चन जब एक्सप्लेन हो रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं, ये बताइए। श्रुति, पुष्पांजलि, रजनीश। ऑल राइट, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली है जिन्होंने ये उपकरण बनाया है, छोटे मोटे डिवाइसेस को पावर करने के लिए। इसको, इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। तरल ठोस इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, राइट। ये इसका नाम है, इसका आंसर करने मत बैठ जाना। दिस इज द नेम ऑफ द डिवाइस। और ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर कर सकता है मिली वॉट में इसकी जनरेशन कैपेसिटी, राइट। चलिए अगला। डेटा अनियमितताओं के मुद्दे के कारण अब वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि ये रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता था? एक रिपोर्ट आती थी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन से संगठन देता है? प्रेरणा। अगर एक बार बुलेट पॉइंट्स में या वन लाइनर्स के फॉर्म में लिख लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा याद रहना, क्योंकि लिखा हुआ हम लोगों को जल्दी याद रहता है, तो बेटर होगा। अदरवाइज पीडीएफ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन अपने खुद के अगर नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम में याद रखने में इजी रहेगा। तो एक लाइन में लिख के रख लीजिए, या पीडीएफ से लिख लेना, दैट विल बी योर चॉइस, आपकी मर्जी है, लेकिन इट विल बी बेटर अगर आप खुद के भी नोट्स बनाए साथ में, है ना। मेघा, विनय, मानसी, रजाक। चलिए कुछ आंसर है, और इसका सही आंसर क्या है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती थी हर साल, अब से जारी नहीं होगी। नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी रिलीज्ड। नाउ विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, इसके मुख्यालय कहाँ है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। विश्व बैंक के अध्यक्ष, इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना,
तीनों चीजें बतानी है, जल्दी से। गुड इवनिंग हर्षित, मोस्ट वेलकम प्रेसिडेंट डेविड मेलपास, कार्तिक वर्मा, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट इज डेविड मेलपास। और हेडक्वार्टर्स और फाउंडेड 1945, बिल्कुल सही, 1945 से एक साल पहले, बिल्कुल सही होगा, दैट इज तिलोक इज राइट, 1944, 45 से एक साल पहले, दैट इज 1944 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू। कौन सा कॉन्फ्रेंस था? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था, वहां पर इसे स्थापित किया गया। और इसके मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में इसके मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स है। ठीक, चलिए, यहाँ पे हमारा आज का फर्स्ट हाफ तो खत्म होता है करंट अफेयर्स का। अब हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड हाफ जो है स्टैटिक जीके का, और उसमें आज का टॉपिक क्या है आप लोगों का? दैट इज इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल। ये शुरू करें उससे पहले सभी लोग सेशन को शेयर करते हैं, और जितने भी बच्चे लाइव हैं लाइक जरूर कर दे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। ठीक है, ऑल राइट, तो शुरू करें स्टैटिक जीके। ऑल रेडी, तैयार है सब? स्टैटिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम को दे रहे हैं। कुछ एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर से जुड़ा हुआ स्टैटिक और स्टैटिक ज्यादा आता है, करंट के डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। कुछ एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और स्टैटिक जीके वो लोग थोड़ा कम रखते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा रखते हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप एग्जाम कौन सा दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, और वो है फर्स्ट ट्रेन, भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी? बिल्कुल इजी सा एक क्वेश्चन है जिससे हम लोग शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज भारत में प्रथम ट्रेन कब शुरू की गई थी, कौन से ईयर में और कहां से कहां तक के लिए? सबको पता है इसका आंसर, जल्दी से आंसर कर दो। लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। एसएससी जीडी में, जीडी के अंदर स्टैटिक या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इनडायरेक्ट या करंट अफेयर से जुड़े हुआ स्टैटिक जीके या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस वो लोग थोड़े से कम रखते हैं कंपैरेटिवली, ऑल्दो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक से, लेकिन इनडायरेक्ट वाले ज्यादा होते हैं। लॉर्ड डलहाउजी 1853, बिल्कुल सही, जिन भी लोगों ने आंसर किया है 1853, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1853 में पहली ट्रेन शुरू की थी, कहां से? मुंबई से ठाणे, बिल्कुल सही, उस टाइम मुंबई नहीं था बॉम्बे था, तो बॉम्बे से ठाणे। जब भी हिस्ट्री की बात करें बच्चे एक चीज याद रखनी है, अगर हम लोग पास्ट में बात कर रहे हैं तो पुराना नाम ही इस्तेमाल किया जाएगा, जब हम लोग आज की बात कर रहे हैं तो आज के नाम होंगे, पुराने समय की बात कर रहे हैं तो पुराने समय का नाम होगा। अगला सवाल, कौन सा वर्ष था जिसमें रेल बजट पेश करने की प्रथा अलग से शुरू हुई, यानी कि आम बजट से रेल बजट को अलग से दिखाने वाला प्रथा भारत में कब शुरू की गई थी? कौन सा ईयर था जब रेल बजट और आम बजट अलग अलग आने लगा? और अगर किसी को कमिटी पता है तो मोस्ट वेलकम, जल्दी से, अगर आप लोगों को कमिटी भी पता है तो मोस्ट वेलकम टू आंसर कमिटी का नाम भी। चलिए जल्दी से, सुधीर, तिलोक, सुजीति, 1930, 1920, 1934, बीच का आंसर भी आ गया, विकास, अजय, प्रेम, पुष्पांजलि, श्रुति, मानसी, सौरभ, कार्तिक, प्रियंका, राज, बहुत बढ़िया मानसी, काफी सारे आंसर हैं, पर इसका सही आंसर कौन सा है? 1924, 1924 है जब ये सबसे पहले शुरू किया गया था, ये प्रथा 1924 में शुरू की गई थी जब एक अलग से रेल बजट आने लगा, और ये किसने शुरू करी थी? एक्वर्थ कमिटी थी, एक्वर्थ कमिटी थी जिन्होंने ये रेकमेंडेशन किया था, और उसके बाद ये होने लगा था। इसके बाद
2018 में ऐसा हुआ, इट वॉज इन 2018, 2018 में ऐसा हुआ कि जनरल बजट और रेल बजट एक ही कर दिया। तो मर्ज कब हुआ ये? 2018 में। अब अलग अलग नहीं आते हैं, अब एक ही में आता है। 2018 में, मतलब एक अलग से कैटेगरी होती है रेल बजट, तो 2018 में इसे एक कर दिया गया। और ये कौन सी कमिटी थी जिसे विवेक देबरॉय जी ने हेड किया था? विवेक देबरॉय जी के तहत एक समिति या कमिटी बनाई गई थी, उनके कमिटी का डिसीजन था ये। ठीक, चलिए अगला सवाल। इन विच गवर्नर जनरल्स इन रेलवे लाइन्स इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड? भारत में रेलवे लाइनों की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? यानी जब पहली ट्रेन आई थी, जब पहली रेल लाइन लगी थी, उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? हु वॉज द गवर्नर जनरल? जल्दी से आंसर। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय पर? श्वेता, विनय, रजाक, सुधीर, चेतन, मोनू, विनय, सुजीती, लॉर्ड डलहाउजी। ऑल राइट, काफी सारे आंसर है। लॉर्ड डलहाउजी, बिल्कुल सही। लॉर्ड डलहाउजी जी का रूल था उस टाइम पे, जिस समय पर सबसे पहली वो बॉम्बे से थाने वाली ट्रेन चली थी, तो इसलिए रेलवे लाइन किसके शासन काल में थी? लॉर्ड डलहाउजी के। चलो, भारत में ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन जो होती है उनकी चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ? चौड़ाई कितनी होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की भारत में? व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन्स इन इंडिया? भारतीय रेलवे की कितने गेजेस हैं? देर आर फोर गेजेस, चार प्रकार के गेजेस हैं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ गेजेस इन इंडियन रेलवे, जिसमें से ब्रॉड वाले या चौड़े वाले की चौड़ाई कितनी होती है? 5 feet 6 inches, 5 feet 6 inch। वाइल्ड गेस कर रहे हैं यहाँ पे सब। शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? वेन वॉज शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्टेड? शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन या रेल लाइन कब शुरू की गई थी? इन विच ईयर? और उस समय पर रेल मंत्री कौन थे? अगर आप लोगों को पता है तो इफ एनीवन रिमेंबर्स, हु वाज द रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री कौन थे जिन्होंने शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की थी? त्रिलोक, राहुल, शिवानी भारती, मानसी राज, जल्दी से। अभिषेक, सौरभ, ज्यादा फंस रहा है। चलिए हम वीडियो बंद कर देते हैं, मे बी वीडियो की वजह से ज्यादा हो रहा है। वीडियो कुछ टाइम के लिए हम बंद कर देते हैं जिससे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। वंदना, मानसी, राधा, श्वेता, प्रेरणा, कुछ आंसर हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई थी। उस समय पर रेल मंत्री कौन थे? माधव राव सिंधिया। माधव राव सिंधिया जी थे जो उस समय पर रेल मंत्री थे। अगला सवाल, शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन इंडिया। भारत में इतने स्टेशन हैं, उनमें से सबसे छोटा नाम कौन सा है? सबसे छोटा नाम कौन से रेलवे स्टेशन का है? भारतीय रेल सिस्टम में सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बॉर्न डेट पर नहीं, एक्चुअली इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ इट्स सेंटेनरी। गेस नंबर फोर, गोवा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इब, आई बी। और ये कहां पर है? इबू जो है ये कहां पर है? दैट इज इन ओडिशा।
ओडिशा का एक स्टेशन है जिसका सबसे छोटा नाम है भारतीय रेल सिस्टम में। ऑल राइट, ये कमिटी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है, एक्वर्थ कमिटी। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, एक्वर्थ कमिटी के रेकमेंडेशन पे था। एक हाल ही में शटल ट्रेन थी जो लाहौर से कौन से स्टेशन के बीच में चलती है, जो 22 साल के गैप के बाद हाल ही में वापस से शुरू की गई थी। शटल ट्रेन है जो लाहौर से कहाँ तक आती है, हाल ही में 22 साल के गैप के बाद दोबारा से शुरू की गई थी। उषा, राज, दीपांशु, सुधीर, चलिए जल्दी से। अरे अंत, आज तो बहुत ज्यादा लेट। चलिए, कौन सी, कहां से कहां तक थी? लाहौर से वाघा रेलवे स्टेशन तक। लाहौर से वाघा रेलवे स्टेशन तक 22 साल के अंतराल के बाद ये ट्रेन फिर से शुरू की गई थी। अगला सवाल आता है, ये थोड़ा सा इंजीनियर वालों के लिए है। डीजल इंजन में प्रज्वलन किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज द इग्निशन? डीजल इंजन में इग्निशन या प्रज्वलन किसके कारण होता है? चलिए, प्रज्वलन किसके कारण होता है डीजल इंजन में? अवनीश, गुड इवनिंग। अजीत, मानसी, मेघा, चलिए जल्दी से आंसर। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसका सही आंसर है कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि इसमें कंप्रेशन इग्निशन या सीआई इंजन होता है, तो कंप्रेशन या संपीड़न की वजह से इग्निशन इज कॉज्ड। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन रेलवे कॉरिडोर कौन सा? भारत का पहला हरित रेलवे गलियारा ग्रीन रेलवे कॉरिडोर है। फर्स्ट ग्रीन रेलवे कॉरिडोर ऑफ इंडिया, भारत का पहला ग्रीन या हरित रेलवे गलियारा कौन सा है? ग्रीन रेलवे कॉरिडोर फर्स्ट ऑफ इंडिया। चलिए आंसर, हर्षित, अंशिका, अजय, विदुषी, कुछ आंसर है, अभिषेक, त्रिलोक, मोनू, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन बी, दैट इज मना मदुराई से रामेश्वरम, मना मदुर से रामेश्वरम, ये बिल्कुल सही है। मना मदुर से रामेश्वरम के स्ट्रेच पे सबसे पहला ग्रीन रेलवे कॉरिडोर था, यानी कि इसमें सबसे पहले जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज लॉन्च किया गया था। लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड इन इंडिया, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है और ये एशिया का भी सबसे लंबा है? तो भारत का और एशिया का सबसे लंबा मार्शलिंग यार्ड कहां पर है? सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड एशिया और भारत का कहां पर है? जल्दी से आंसर इस वाले का। त्रिलोक, सौरभ, जल्दी से, बाकी सब, अभिषेक, अरुण, सुजीति, कार्तिक, सुधीर, बहुत बढ़िया। एंड इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए, मुगल सराय इज द राइट आंसर। मुगल सराय में भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, जहां पे लगभग 1500 वैगन्स हैंडल किया जाता है। कितने लंबा है ये? 12.5 किलोमीटर या 12.5 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ इंडिया,
कौन सा सही आंसर है? लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन। दिल्ली, मथुरा, दिल्ली इज नॉट। अच्छा चलिए, कुछ आंसर है ऑप्शन ए के लिए। सही आंसर है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है भारत का वो है मथुरा रेलवे जंक्शन। मथुरा रेलवे जंक्शन इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन जिसमें एज मेनी एज 7 रूट हैं। स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म, 7 रूट मथुरा रेलवे जंक्शन। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना कहें तो सबसे पुराना कोलकाता का है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कितने हैं भारतीय रेल के? भारत में रेलवे के कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? हाउ मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर? भारत में रेलवे के कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? जीती, दीपांशु, मानसी, मेघा। बहुत बढ़िया, कुछ आंसर है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। 5 प्रशिक्षण संस्थान है भारतीय रेल के। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है अभी तक? बुलेट ट्रेन नहीं आई है भारत में तो उसका आंसर सोचना भी नहीं है अभी, अभी इसी का आंसर करना है। सबसे फास्ट कौन सी है? फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? नो आइडिया। अजीत, मानसी, त्रिलोक, वंदना, मेघा, कार्तिक, विनय, अंशिका, सौरभ। आंसर आ रहे हैं 5। ऑल राइट, काफी सारे आंसर हैं और इसका सही आंसर होगा तेजस एक्सप्रेस। वर्तमान में तेजस एक्सप्रेस है जो सबसे तेज ट्रेन है भारत की। लॉन्गेस्ट रूट, किलोमीटर में सबसे लंबा रूट कौन सा है भारतीय रेल में? रेलवे लाइन का सबसे लंबा रूट कौन सा है? सबसे लंबे रूट कौन से राज्य में है भारत में? लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवे इन इंडिया। ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स। यूपी, बिल्कुल सही, सबका आंसर बिल्कुल सही, सबने बिल्कुल सही, सबका यूनिफाइड सिंगल आंसर आया है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा और टोटल कितने रेलवे जोन है भारत में? टोटल रेलवे जोन एंड लार्जेस्ट रेलवे जोन दोनों बताने हैं। लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है और टोटल कितने रेलवे जोन्स हैं? और सबसे छोटा भी अगर पता है तो वो भी बता सकते हैं। रजाक, सुजीति, राहुल, कार्तिक, त्रिलोक, सागर, कैलाश, अजय, मेघा। बिल्कुल सही आंसर, नॉर्दर्न है, उत्तरी रेलवे, उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे छोटा रेलवे जोन वो है सेंट्रल जोन। सेंट्रल रेलवे का सबसे छोटा जोन है, राइट। इसके बाद आते हैं टोटल कितने रेलवे जोन है भारत में? 18, 18 जोन, बिल्कुल सही। देर आर टोटल 18 रेलवे जोन, 18 रेलवे जोन है भारत में, राइट। लेटेस्ट कौन सा है? सदर्न कोस्ट रेलवे। लेटेस्ट या न्यू कौन सा है? सदर्न कोस्ट
रेलवे, ये सबसे लेटेस्ट जोन है। चलिए, कौन सा देश है जहां पर फ्लैंज व्हील का आविष्कार हुआ था? इनमें से कौन सा देश है जिसने फ्लैंज व्हील का आविष्कार किया था? फ्लैंज व्हील वॉज इन्वेंटेड इन विच कंट्री? कौन से देश में फ्लैंज व्हील का आविष्कार किया गया था? और इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी के अंदर फ्लांज व्हील का आविष्कार किया गया था। नाउ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रेल लाइन से चारों ओर से घिरा हुआ हो, उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट प्लेटफॉर्म कॉल्ड? ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म जो चारों तरफ से रेल लाइन से घिरा है, उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? मेघा, सुमित, सुजीति, कार्तिक, राहुल, जल्दी से। आकांक्षा कॉर्ड, काफी टाइम बाद ज्वाइन किया है आकांक्षा ने। मेघा, रोहित, मानसी, चलिए इसका सही आंसर होगा। देखो, कोई ऐसा लैंड, कोई ऐसा जमीन का हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो ऐसा ही अगर प्लेटफॉर्म है तो उसको आइलैंड प्लेटफॉर्म ही बोलेंगे। सो आंसर ऑप्शन सी होगा, द्वीप मंच या आइलैंड प्लेटफॉर्म। तो जैसे एक लैंड एरिया पानी से घिरा हुआ है, उसे आइलैंड या द्वीप बोलते हैं, उसी प्रकार से प्लेटफॉर्म का नाम भी आइलैंड प्लेटफॉर्म होता है। स्टेशन जहां पे रेल लाइन खत्म हो रही है, रेल लाइन जहां समाप्त हो रही है, उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट कॉल्ड? जहां पे रेलवे लाइन खत्म हो रही है, उस स्टेशन को क्या कहते हैं? अरयंत, पवन, चलिए जल्दी से आंसर इसका। स्टेशन जहां पे रेल लाइन खत्म हो रही है, क्या कहेंगे उसको? मेघा, अरयंत, पवन, बहुत बढ़िया। और इसका सही आंसर है टर्मिनस या टर्मिनल, दोनों सही होंगे। टर्मिनल या टर्मिनस, दोनों नाम बिल्कुल सही है, पर वो स्टेशन होता है जहां पे रेल लाइन खत्म हो रही है। अगला सवाल आता है, नेशनल रेल म्यूजियम कौन से शहर में है? इन विच सिटीज नेशनल रेल म्यूजियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? नेशनल रेल म्यूजियम। विनय, मानसी, शिवानी, अजीत, राहुल, बहुत बढ़िया। विकास, मेघा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, नई दिल्ली के अंदर ये स्टेशन है। नेक्स्ट, कौन सा जोन है जिसमें छोटी या सबसे कम लंबाई की रेलवे लाइंस हैं? मिनिमम, सबसे कम लंबाई का जोन कौन सा है? सबसे कम लंबाई किस जोन में है? और वो कौन सा होगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे या उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। अगला सवाल आता है, कंदाघट एक हेरिटेज रेलवे या विरासत रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरीके से लकड़ी से बना है, और इसे ब्रिटिशर्स के द्वारा 1903 में बनाया गया था, जो आग में उसमें आग लग गई, खराब हो गया। कौन से राज्य में इसे बनाया गया था? इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? कौन से राज्य में है ये कंदागढ़, जो एक हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज का स्टेशन है, लकड़ी से बना था पूरी तरीके से। अजय, प्रेम, पुष्पांजलि, टी एस, त्रिलोक, सुजीति, मेघा, राहुल, टी
राधा। ऑल राइट, आंसर क्या है? ऑप्शन सी हिमाचल। बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में ये स्टेशन था कंदागढ़, जो 1903 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे। वी विल एंड द सेशन हेयर। मिलते हैं आप लोगों से कल 9 बजे वाले सेशन में। कल 9 बजे क्लास होगी। अगेन ये सेशन करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा एक 3 बजे भी क्लास होती है जनरल अवेयरनेस की, तो जो लोग जनरल अवेयरनेस की अलग से भी लेना चाहते हैं 3 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ